हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एक एग्जाम ट्रूपर में। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ये सुपर टेट एग्ज़ाम 2019 का पेपर है। ठीक है, जिसको कि एसटेट बोला जाता है। ठीक है, एसटेट 2019 का पेपर है, इसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये एग्ज़ाम आपका अभी लगने वाला है, ये 28 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है दोस्तों आपके यही वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएँ। ठीक है, तो इसका मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों, आपको बस मात्र इसको पूरा पेपर एक बार देखना है। ठीक है, तो फटाफट इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए देखिए दोस्तों, आप देखते जाइए कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृदंत प्रत्येक किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो फर्स्ट में क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? क्रिया के साथ में। थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है दोस्तों? व्याकरण। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सेकेंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसको प्राप्त हुआ? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा महान शब्द। नेक्स्ट है, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा? महत्व। थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो क्या है? बीजौ पनकाल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सातवां क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा फारसी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? आठवें, फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ये है दोस्तों, कोई गद्दांश था, तो गद्दांश पे देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो नाइन्थ में आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना, सेकंड, पाखंड और दिखावे को। सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा छल। नेक्स्ट है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो इसमें क्या आएगा दोस्तों अपना? फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा खुलकर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, बीती बिवारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ग्यारहवें में क्या आंसर आएगा दोस्तों अपना? फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरच सुव्रत भूषण बिनु ने बिरजाई कविता बनीता मित। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियों किस कवि की है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर अपना आ जाएगा, बारहवीं में आंसर आएगा केशवदास। फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो थर्टीन में आंसर आएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, जाह्नवी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, तीन क्वेश्चन देखिए, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं, तो ये शब्द क्या है दोस्तों? 14 में आएगा फोर्थ, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 15 में देखिए, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो 15 में आंसर आएगा अपना सेकंड, ख छ ठ थ फ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, ये देखिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो 16 में आंसर आएगा अपना द्विगु समास, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? 17 में आंसर आएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसमें योजक चिन्ह कौन सा है, देखिए ये बताना था अपन को, तो इसमें थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये वाला चिन्ह होता है जो योजक चिन्ह का होता है। नेक्स्ट है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो इसमें क्या आएगा आंसर? 19 में आएगा, सेकंड, विशेषण में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों? 20 में आंसर आएगा थर्ड, कवित्री। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, 21 में देखिए दोस्तों, सैले सैले ने माणिक्य मोतिक्य ने गजे गजे, साधुओं ने ही सर्वत्र चंदनम ने वने वने। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, अश्विनी सलोके सर्वत्र के न भौति, तो 21 में आंसर आएगा दोस्तों अपना, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर होगा साधुओं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है दोस्तों? 22 में आंसर आएगा अपना, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है देखिए, 23 में नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो 23 में आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना
फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारी। नेक्स्ट है 24 में देखिए दोस्तों, दाश्यति क्रियापद में लकार है तो इसमें कौन सा लकार है दोस्तों, 24 में आंसर आ जाएगा थर्ड, लुट लकार, ठीक है, लट लकार हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है 25, उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेति च संपतो विपत्तो च मेहता मेक रूपता, ठीक है, तो सविता की दृश्य उदेति, तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों, 25 में आंसर आएगा फर्स्ट ताम्र, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 26 में देखिए दोस्तों, पितृस्वसा का अर्थ है दोस्तों, तो 26 में आंसर आएगा अपना फर्स्ट बुआ, ठीक है, पितृस्वसा का मतलब बुआ। नेक्स्ट है 27 में, गम धातु लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है इसमें, 27 में आंसर आएगा दोस्तों थर्ड, गमिष्यत, ठीक है, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है इसमें देखिए, 28 में आंसर आएगा फर्स्ट 14, ठीक है। नेक्स्ट है 29 और 30 में देखिए दोस्तों, गा पद में विभक्ति वचन है, तो इसमें देखिए 29 में आंसर आएगा अपना सेकंड द्वितीय बहुवचन, ठीक है। 30 में देखिए, असंति पद में प्रत्यय है, तो असंति पद में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, 30 में आंसर आएगा अपना थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट है 31 में देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि ये एक पैसे दिया हुआ था, इसके आंसर देखने थे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज इन द पैसेज, तो डिप्लीट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा इसमें, देखिए 31 में आंसर आएगा अपना दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन रीजनरेट, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा रीजनरेट। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें आंसर आएगा दोस्तों 32 में आंसर आएगा अपना, 32 में आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 33 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड लव ये फिल इन द ब्लैंक है कंट्री, ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों जो वन शुड लव के साथ में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 33 में आंसर आएगा अपना थर्ड ऑप्शन वंस, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर होगा वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 में देखिए दोस्तों, द नंबर ऑफ वोवल एंड कंसोनेंट्स साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, तो कितने हैं दोस्तों, 34 में अपना आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 20 and 24, ठीक है। 35 में देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, इसमें नरेशन, डायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा इसमें, देखिए 35 में अपना आंसर आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन, देखिए अतुल सैड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम, ठीक है, तो इसमें क्या एनफ क्या है दोस्तों, इसके अंदर 36 में अपना आंसर आ जाएगा एडवर्ब है, ठीक है। तो 37 में देखिए, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स ए हर्मिट, तो इसमें क्या आएगा अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसमें 37 में अपना आंसर आएगा सेकेंड ए हर्मिट, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है 37 हो गया अपना, 38 में देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब इन द पास्ट टेंस, तो सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम, तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करना था, तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए 38 में अपना आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हिड, ठीक है, तो हाइड्स का क्या बन जाएगा दोस्तों, हिड, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 में देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, तो हाउ वेल सी सिंग्स, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ये 39 में अपना आंसर आएगा फोर्थ एक्सक्लामेटरी, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो 40 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, एन एफ आई आर वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 41 से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो 41 में अपना आंसर आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ फटाफट इसके आंसर, देखिए नेक्स्ट देखिए 42 में देखिए, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई, तो 42 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा लाल लाजपत राय। नेक्स्ट लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों 43 में आएगा थर्ड ऑप्शन 14 दिन तक, ठीक है 14 दिन तक।
नेक्स्ट दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? 44 में अपना आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन से अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो 45 में आंसर आएगा अपना दोस्तों, फर्स्ट, अगुलहास धारा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 46 में देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताए थे दोस्तों दर्रे वगैरह, ठीक है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? 46 में आंसर आएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है? नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? 47 में आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, परिवार का उपभोग व्यय, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 48 में देखिए, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? 48 में अपना आंसर आएगा, फर्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 49 में आंसर आएगा, सेकंड, 1925 में, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो 50 में अपना आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 51 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो 51 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? 52 में देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? तो 52 में अपना आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, नामांकन का संख्या बढ़ाना, ठीक है? नामांकन संख्या बढ़ाना। 53 देखिए दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 53 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है तो क्या है दोस्तों? उसमें 54 में आंसर आएगा अपना, सेकंड, डिस्लेक्सिया, ठीक है? ये दोस्तों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही वाले क्वेश्चन बार बार में रिपीट होकर आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो 55 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, E.M. रोजर्स, ठीक है? नेक्स्ट है 56, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था? तो 56 में अपना आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, हार्टोग समिति। नेक्स्ट है, परम शून्य स्थिति होती है? तो 57 अपना आंसर आएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुपातिक स्केल में, ठीक है? नेक्स्ट है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? तो 58 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन, पूर्व ज्ञान, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो 59 में अपना आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन, 2005। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वह उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? 60 में अपना आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन, वेलफेयर ग्राम द्वारा, ठीक है? ग्राह्य द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्निवास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 61 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर होगा, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है 62 में देखिए दोस्तों, विकासात्मक दिशा नियम सम्मिलित करता है, तो क्या सम्मिलित करता है दोस्तों? 62 में अपना आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर होगा 62 में, फर्स्ट एंड सेकेंड, मस्त का दोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, ठीक है? दोनों राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें 63 में अपना आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन, सांस्कृतिक, ठीक है? ब्रेन लिपि के जनक है, ब्रेन लिपि के जनक कौन थे? तो 64 में अपना आंसर आएगा, सेकंड, लुई ब्रेल। दोस्तों ये खुद ही भी ये क्या है कि थोड़े से मतलब इनके आंखें ये देख नहीं पाते थे, ठीक है? लुई ब्रेल भी देख नहीं पाते थे खुद भी, ठीक है? और उन्होंने ही ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 65 में प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो 65 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन, पावलो, ठीक है? और नेक्स्ट हैरी डिट्री जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 66 में आंसर आएगा अपना, सेकंड, गॉल्टन के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो 67 में अपना आंसर आएगा, फोर्थ, उपयुक्त सभी, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग एवं चोट सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है, तो गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? इसमें 68 में आंसर आएगा अपना, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान, ठीक है? थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो 69 में अपना आंसर आएगा, थर्ड, उद्भवन, ठीक है?
नेक्स्ट 70 में आंसर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, तो 70 में अपना आंसर रहेगा थर्ड, कोलकाता में, ठीक है। खाने का नमक किससे बनता है, तो 71 में अपना आंसर रहेगा सेकंड, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा, तो तब नया संवेग कितना होगा, 72 पे अपना आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, प्रारंभिक मान का दुगुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा तो दुगुना हो जाएगी, क्यों दोस्तों, क्योंकि रूट 2ME होता है संवेग बराबर, ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है, रूट 2ME। तब देखिए दोस्तों, जो अपनी गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा है इसके 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, तो इसका रूट निकाल के लाएंगे तो फिर ये दुगुना हो जाएगा, ठीक है, 4 तो 4 गुना का रूट निकलेगा तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो 73 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, 73 में आंसर आएगा सेकंड, अनुदय दे रहे, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था ध्वनि तरंगें कैसी होती है, अनुदय दे रहे, ठीक है, और जो EM वेव होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो कैसी कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगी होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, सॉरी EM वेव तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, ठीक है, सॉरी मैं प्रकाश वेव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रकाश तरंग होती है, ठीक है, तो प्रकाश वेव कैसी होती है दोस्तों, अनुप्रस्थ टाइप की होती है, ठीक है, प्रकाश तरंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन होता है, तो 74 में अपना आंसर आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, 10^-6 meters, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है, 75 में अपना आंसर रहेगा फोर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसका। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, तो 76 में अपना आंसर आएगा दोस्तों सेकंड तिलचट्टा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x=60-5t के अनुसार बदलती है, तो जहां x मीटर में है तो t सेकंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा, तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा दोस्तों, 77 में अपना आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा -5 meters per second। अभी कैसे होगा देखिए दोस्तों, प्रारंभिक वेग मतलब u होता है, तो u क्या होता है dx/dt हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे इसका 60 का, तो मतलब कि 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12t हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5t से एक आगे आ जाएगा तो -5 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, t=0 पे क्या है कि u कहाँ पे होगा, प्रारंभिक वेग कब होगा, जब t=0 होगा, तो t=0 जब इसमें मान रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो बचेगा क्या, -5 बचेगा ओनली ना, तो फिर -5 meters per second इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, किसकी कमी से रतौंधिर होती है, तो किसकी कमी से होती है दोस्तों, 78 में अपना आंसर आएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा, तो कितना आयतन होगा दोस्तों, इसमें होगा 2.24 liters, ठीक है, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, इनमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो मतलब कि क्षीण बल कौन सा है इसमें, तो इसमें क्या आंसर आएगा अपना दोस्तों, 80 में अपना आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये सभी क्या है कि प्रबल बल है। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे होता है कि ये कमज़ोर बल कैसे है, क्योंकि ये ग्रहों के बीच में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, और ये सभी तो पृथ्वी पर लगते हैं, ठीक है, तो ये सभी प्रबल बल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी देखिए, ये है, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो कौन है दोस्तों, 101 में अपना आंसर क्या आएगा, हाँ दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें 102 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिचरित महाकाव्य किसने लिखा, तो 103 में अपना आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन अशोक घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या था, ठीक है, तो 104 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो कौन सा स्थान था दोस्तों 2018 के अनुसार, 105 में अपना आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 133वां, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाथ
पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 106 में अपना आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य? तो कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? 107 में अपना आंसर आएगा फोर्थ, यक्षगान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? तो ये 108 में अपना आंसर आएगा फोर्थ, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? 109 में अपना आंसर आएगा कजरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 110 में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो 110 में अपना आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर है सिक्किम में। ठीक है, चलिए दोस्तों 110 हो गया, 111 में देखिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? 111 में अपना आंसर आएगा दोस्तों खुर्जा में। ठीक है, वर्ष नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 112 में अपना आंसर आएगा फर्स्ट भरत वाटवानी को। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 113 में अपना आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो 114 में अपना आंसर आएगा सेकंड साहित्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो 115 में अपना आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन नाओमी ओसाका। ठीक है, नेक्स्ट है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था कौन था? 116 में अपना आंसर आएगा थर्ड विलेज रॉक स्टार्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 117 में अपना आंसर आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा कटोविस पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो 118 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट नेपाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? 119 में अपना आंसर आएगा थर्ड कालिदास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 120 में अपना आंसर आएगा फर्स्ट 2017 से। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? 121 में अपना आंसर आएगा फोर्थ केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से? तो सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से? 122 में अपना आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन निशानेबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो सबसे ऊंची है अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 123 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फोर्थ 182 मीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? 124 में अपना आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन ट्रेन 18। ठीक है, अभी लेटेस्ट है दोस्तों न्यूज़ में, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 125 में अपना आंसर आएगा फोर्थ प्रत्युष। ठीक है, नेक्स्ट है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? तो इसमें अपना 126 में आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर होगा द शिप ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विश्व विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? तो 127 में अपना आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 130वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 128 में अपना आंसर आएगा सेकंड संजय बारू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही करंट अफेयर, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 129 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है? तो 130 में अपना आंसर आएगा दोस्तों सेकंड एना बंस। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? 131 में अपना आंसर रहेगा सेकंड चुनौतियों मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, उत्प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो 132 में अपना आंसर रहेगा थर्ड मैक डूगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति 133 में अपना आंसर रहेगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन दूसरों की परेशानियों को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो 134 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
किस वर्ष से प्रभावी हुआ, तो मतलब आरटीई एक्ट है वो किस वर्ष से प्रभावी हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 135 में, अपना आंसर आएगा सेकंड 2010 से, ठीक है 135 में सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया, तो ये विचार किसके द्वारा दिया गया, 136 में अपना आंसर आएगा दोस्तों थर्ड अर्बन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 137 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो 137 में अपना आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट आत्म गौरव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अलग ढंग से कार्य करने तथा नई तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, तो किस इसमें आंसर आएगा दोस्तों अपने क्या क्या कहलाती है वो, एक इसमें आंसर आएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन सृजनात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों इसमें सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पार्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसका किसको स्वीकार किया है, तो इसमें 140 में आंसर आएगा अपना दोस्तों फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी का, ठीक है। तो सफाई सच्चाई श्रम समानता एवं सहयोग सभी का सभी के मूल्यों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये वाला देखिए दोस्तों बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो इसमें आंसर आएगा अपना दोस्तों सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों VLE का विस्तृत रूप है, तो इसमें 147 अपना आंसर आएगा थर्ड वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ICT का उद्देश्य है, तो ICT का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें 148 में अपना आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 148 में फर्स्ट एंड सेकंड, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम होता है, तो 149 में फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा अवांछित संदेश, ठीक है स्पैम बोला जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का पेपर पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और आई होप दोस्तों आप सभी की जो एग्ज़ाम हुआ है होने वाला है 28 जनवरी को, ठीक है, तो उसके अंदर ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।